bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum students today in this lecture we will learn about the structure of testes its variation in various groups of fishes and uh, we will also learn about uh, the pathway of sperm in uh, various groups of fishes like in case of uh, thighs and thighs etc as uh, in other tetrapods द सेक्सिस इन फिशीज़ आर यूजअली सेपरेट तो फिशिज़ के अंदर भी मेल और फीमेल जो हैं वो डिस्टिंगट होते हैं यानी सेक्सिस सेपरेट होती हैं तो इसको हम डाइविशियस कह देते हैं डायवर्शियस मीनिंग दैट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल और वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट एज द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंगट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑर्गनिज्म तो ये डायवर्शियस फिशिज़ होती हैं And uh, in their ke case, males possess uh, testes uh, which produce sperms, and females possess ovaries that produce the eggs. And uh, normally they occur in separate adult individuals. But in case of uh, abnormalities, combined male and female gonades, which are known as ovotestes, have been described in many species of fishes, which gives the evidence of common embryonic origin. Normal hermaphroditism occurs in some groups of fishes. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सी बास सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज हो द रियल एक्सेप्शन तो सी बास जो फिश है उसके अंदर क्या होता है हर्माफ्रोडिटिज्म जो है वह पाई जाती है यानी वह डायशियस नहीं होती हैं तो नॉर्मली जो फिशज हैं मोस्टली जो हैं फिशिज दे आर डाइशियस एंड दे हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सेपरेट इंडिविजुअल तो अब इस तरह से यहाँ पे अगर आप नीचे फिश में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप उसका गोनेड्स आपको फ़िश का दिखाया गया है तो ये उसकी पोजीशन है गोनेड की जो कि वेरी करती फ्रॉम फ़िश टू फिश जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे तो ये फ़िश का गोनेड है ये बाकी आप उसके जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हैं फ़िश के अब अगर हम फिश के टेस्टिस के हवाले से बात करें तो दे आर इंटरनल लोंगी एंड यूजली पेयर्ड तो ये इंटरनल फिश के अंदर होते हैं लोंगी ट्यूडिनल होते हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि राइट टेस्टिस दिखाया गया है जो कि लोंगी ट्यूडिनल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल है यानी बॉडी के के अंदर पाए जाते हैं ना कि बॉडी के ये बाहर पाए जाते हैं एंड दे आर मोस्टली पेयर्ड स्ट्रक्चर्स अब मोस्टली फिशेस के अंदर तो ये पेयर्ड फॉर्म में ही पाए जाते हैं लेकिन कुछ फिशेस ऐसी हैं जैसे जॉलेस फिशेस जो हैं प्रीमिटिव जॉलेस फिशेस, दे हैव ओनली अ सिंगल टेस्टिस विच इज़ लोकेटेड इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी तो वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी जो है वहाँ पे पाया जाता है एंड दीज आर सस्पेंडेड बाय लेंथ वाइज मीजेंट्रीज नोन एज मीजोशिया तो टेस्टिस जो होते हैं ये लेंथ वाइज मीजेंट्रीज होती हैं जो जिनके ज़रिए से ये सस्पेंड किए होते हैं बॉडी कैविटी के अंदर सो so, फिश के अंदर जो टेस्टिस होते हैं ये लेंथ वाइज मेजेंट्रीज़ के ज़रिए से जो है upper, जो part, अपर जो बॉडी का पार्ट है यानी अपर सेक्शन ऑफ द बॉडी कैविटी जो है ये वहाँ पे सस्पेंड किए होते हैं तो मेजेंट्री क्या है इट इज़ अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैच द स्टमक स्मॉल इंटस्टाइन पेंक्रियाज स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एबडोमन तो यानी कि ये ऐसी फोल्ड है पेरिटोनियम का जो कि स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन को पैंक्रिया को स्प्लीन को या दूसरे ऑर्गन को पोस्टीरियर वॉल के साथ अटैच कर देता है किसकी पोस्टीरियर वॉल के साथ एबनमन की पोस्टीरियर वॉल के साथ तो अगर हम टेस्टिस की पोजीशन के हवाले से बात करें तो फिश के अंदर टेस्टिस कहाँ पे पाए जाते हैं दे लाई लेटरल टू द गैस ब्लैडर व्हेन वन इज प्रेजेंट यानी इसमें एक रूल है कि अगर एक टेस्टिस होगा तो वो कहाँ पे पाया जाएगा लेटरल टू द गैस ब्लैडर अब लेटरल से मुराद यहाँ पे क्या है कि दे आर प्रेजेंट अलोंग साइड और बिलो द गैस ब्लैडर व्हेन वन इज प्रेजेंट तो ये क्या होगा कि जो गैस ब्लैडर है या स्विम ब्लैडर फिश का है अब यहाँ पे आप ये टेस्ट देख सकते हैं फ़िश का तो यहाँ ये आपको स्विम ब्लैडर इसके ऊपर नजर आ रहा है तो ये जो टेस्ट हैं फ़िश के ये मैंने आपको जैसे बताया कि अगर सिंगल होगा तो दे आर प्रेजेंट अलोंग साइड यानी इसके जो है साइडों पर हो सकते हैं यानी कि अगर सिंगल होगा तो इसकी साइड पे भी हो सकता है किसकी स्विम ब्लैडर की साइड पे इसी तरह से ये स्विम ब्लैडर के बिलो भी हो सकता है यानी गैस ब्लैडर के बिलो भी हो सकता है अगर एक पाया जाएगा तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिलो आपको दिखाया गया है गैस ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड किडनी टिब्यूल्स एंड डक्ट्स सर्व वेरियसली अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशीज टू कंडक्ट स्पर्म टू द आउटसाइड अब स्पर्म की जो बाहर की तरफ जो मूवमेंट है उसके अंदर क्या होता है किडनी हैं या डिफरेंट डक्ट्स भी हो सकती हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस में पाई जाती हैं जिससे क्या होता है स्पर्म्स की मूवमेंट जो होती है वो इसके ट्रैक से बाहर की तरफ लाई जाती है बिकॉज स्पर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ फोलिकल्स इन विच द स्पर्मेटोजो आर एंड द साइज एंड कलर वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी एंड राइटनेस अब ये इसमें होता है कि साइज़ भी इनका वेरी करता है कलर भी वेरी करता है अब सेक्शुअल मेच्योरिटी पर वो डिपेंड करता है या राइटनेस पर डिपेंड करता है तो इसलिए ये कलर uh, वेरी करता है इनका यह साइज़ भी वेरी करता है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी और जनरल अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्वेल्व परसेंट ऑफ द बॉडी वेट इनका तकरीबन वेट होता है लेकिन ये भी कम ज़्यादा हो सकता है सो वी कैन सेट द वेट में इक्वल ट्वेल्व परसेंट और मोर ऑफ दैट ऑफ द बॉडी एंड मोस्ट ऑफन द टेस्टिज आर क्रीमी वाइट एंड स्मूथ तो अक्सर जो है इनका कलर जो है वो क्रीमी वाइट होता है एंड दे आर स्मूथ एंड द ग्रॉस अस्पेक्ट ऑफ द कॉन्टेंट इज फ्लोकुल्ड रेदर दैन ग्रेनुलर इन राइट टेस्टिज दूल आर लार्ज इनफ इन सम स्पीशीज प्रोड्यूस व्रेनुलर अपेयरेंस बट अ लिटल टीजिंग और स्कैशिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स अंडर लो मैगनीफिकेशन विल डिस्टिंगश इट्स टिब्यूल्स फ्राम द ओवा और ओवी जीरस टिशू इन ओवरीज तो ओवी जीरस जो है टिशू जो ओवरी का है उससे ये डिफरेंट हो जाते हैं अगर हम इसको जो है वो मैगनीफिकेशन करके देखेंगे इसको यानी कि लाइट लो मैगनीफिकेसन के अंदर अगर चेक किया जाए तो ये ओवरी से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं एज वी ऑल नो देट फिश हैव ए वाइटी ऑफ डिफरेंट बॉडी प्लान्स तो जैसे आपको लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि अगर एक फिश के अंदर टेस्ट पाया जाएगा तो वो क्या होता है लेटरल पाया जाता है स्विम प्लेडर के लेटरल से मैंने आपको मुराद बताया था कि इट इज़ प्रेजेंट आइदर अलोंग साइड और बिलो द गैस ब्लैडर वैनवान इज प्रेजेंट तो इसमें अब क्या है कि हम डिस्कस करेंगे कि लेटरल क्या होता है तो अगर हम फिश को देखें तो फिश के अंदर डिफरेंट बॉडी प्लान पाए जाते हैं लेकिन जनरली जो है फ़िश की बॉडी को हेड ट्रंक या टेल में डिवाइड किया जाता है ये हेड है ये इसका ट्रंक एरिया है और लास्ट वन इज टेल एरिया तो अब इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नली तो इतना विजिबल नहीं है कि हेड कौन सा एरिया है ट्रंक कौन सा या टेल कौन सा है लेकिन हम फिश की बॉडी को जो है वो इससे की बुनियाद पे जब क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर इसकी साइड है वह दिस इज नोन एज ऐसे डोसल साइड और जो अगर नीचे वाली साइड की बात करें ये वाली जो इट इज़ नोन एज वेंट्रल साइड तो अगर माउथ वाली साइड की बात करें तो वो एंटीरियर एंड है तो इसको एंटीरियर साइड कहा जाएगा जबकि जो अगर कॉर्डल या टेल वाला एरिया होगा दिस इज़ नोन एज पोस्टीरियर एंड और ये आप इसका डिस्टल एंड देख सकते हैं तो ये आपको जो है वो उसकी लेटरल साइड से यहाँ पे दिखाई गई हैं कि लेफ़्ट राइट अगर एक्सिस पे हम देखें तो ये लेफ्ट लेटरल साइड है यानी ये वाली जो इसकी साइड है यानी इसकी बॉडी की जो साइड्स बन रही हैं एक ये वाली और एक इसके पीछे जो दूसरी तरफ है तो इनको हम लेटरल कह देते हैं तो ये लेटरल है और एक दूसरी तरफ राइट लेटरल साइड है यानी ये वाला जो एरिया हम नज़र आ रहा है हमें ये लेफ्ट लेटरल साइड है जबकि इसके बिल्कुल दूसरी तरफ जो है वो राइट लेटरल साइड है तो अब आपको समझ आ गई हो कि, कि लेटरल जो है वो पाया जाना स्विम ब्लैडर का इससे क्या मुराद है सो so, फिश के केस में क्या होता है कि जो इनके स्पर्म्स होते हैं उसको मिल्ट कहा जाता है जो कि मिल्की वाइट सब्सटेंस होता है तो टेस्टिस जो हैं फ़िश के अंदर ये तकरीबन 12 परसेंट बॉडी वेट बनाते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर ड्यूरिंग सेक्शुअल मेच्योरिटी यानी कि जब सेक्शुअल मेचोरिटी होगी तो 12 परसेंट बॉडी वेट होगा टेस्टिस की वजह से लेकिन ये प्रोपोर्शन जो है नॉर्मली जो है स्मॉलर होता है यानी ट्वेल्व नहीं होता है और हैग फिशीज़ और लैम्परेज जो हैं दे आर द दिमिटी फिशज़ तो ये जो हैं इनके अंदर सिंगल टेस्टज़ पाया जाता है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव फिशेस के अंदर सिंगल टेस्टिस होता है जो मॉडर्न फिशेस हैं दे हैव टू टेस्टिस यानी पेयर टेस्टिस उनके अंदर पाई जाती हैं पेयर स्ट्रक्चर्स तो ये गोनेड की पोजीशन आप देख सकते हैं यानी जहाँ पर टेस्टिस भी हो सकते हैं ओवरीज भी हो सकती हैं तो मोस्टली फिश की ये पोजिशन होती है लेकिन ये वेरी करती है जैसे कि हमने कुछ स्लाइड्स में पहले भी देखा है और नेक्स्ट में भी हम देखेंगे इसकी वेरिएशन है फ़िश के अंदर सो so, इस स्लाइड के अंदर हम हैग फिशिज़ और लैम्परेज़ का जो स्पर्म का पाथवे है वो देखेंगे कि किस तरह का होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये दोनों ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर सिंगल टेस्टिस पाया जाता है और ये प्रीमिटिव फिशेज का ग्रुप है तो अब इनके अंदर क्या होता है कि देर स्पर्म इज़ शेड इन टू द पेरीटोनियल कैविटी तो अगर आप इस फ्लोशीट में देखें तो सबसे पहले ये स्पर्म्स हैं जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर शेड कर दिए जाते हैं एंड देन दे पास थ्रू पेयर्ड जेनिटल पोर्स तो फिर उसके बाद क्या होगा ये पेयर्ड जेनिटल पोर्स के थ्रू पास कर जाते हैं यूरो जेनिटल साइनस तो फिर यहाँ से पेयर्ड जेनिटल पोर्स है जेनिटल साइनस की तरफ पास कर जाते हैं एंड दे मूव आउट थ्रू अ यूरोजेनिटल पैपीला तो ये यूरोजेनिटल पेपिला के थ्रू जो है वो आउट हो जाते हैं यानी सबसे पहले क्या है कि स्पर्म्स जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में आएंगे फिर वहां से पेयर्ड जेनिटल पोर्स की तरफ फिर वहां से यूरिनोजेनिटल साइनस में आएंगे और वहां से फिर आउट हो जाएंगे थ्रू यूरिनोजेनेटल पैपिला सो so, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि दो फिशिज ऐसी हैं जिनके अंदर सिंगल टेस्टिस पाया जाता है वो कौन सी हैं हैंग फिश एंड लैम्परेज हैग फिश बिलोंग टू द क्लास मिग्जीनी एंड दे आर द ईल शेप्ड मेरीन फिश एंड दे आर द ओनली नॉन लिविंग एनिमल्स दैट हैव अ स्कल बट नो वर्टिब्रल कॉलम आल दो हैग फिश डू हैव रूडिमेंट्री वर्टिबरी तो ये स्लाइन प्रोड्यूसिंग फिशिज हैं और ये मेरीन फिशिज़ हैं और ये आप कह सकते हैं कि इनकी ईल शेप्ड बॉडी होती है जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे आप लैम्परे फिश को देख सकते हैं तो लैम्परे क्या हैं ये एनशियंट फिशेस का एक ग्रुप है जो कि बहुत पुराना कि हम समझ सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं कि जॉलेस फिशी का ये ग्रुप है एंड दे बिलोंग टू दर्डर पेट्रोमाइजोन्टी फॉर्म्स एंड दे आर प्लेस इन द सुपर क्लास साइक्लो स्टोमेटा क्योंकि इनका ये साइक्लो मीनस uh, इनके राउंडेड है तो इनका माउथ अगर आप देखें तो राउंड शेप में नज़र आ रहा है तो साइक्लोस्टोम्स भी इनको कह दिया जाता है एंड द एडल्ट लैम्परे में भी करैक्टराइज बाय अ टुथड फनल लाइक सकिंग माउथ तो आप ये देख सकते हैं टुथड इनका माउथ फननलन लाइक और सकििंग माउथ होता है इनका जिससे आप लैम्परेज की पहचान कर सकते हैं तो ये दोनों ऐसी फिशिज़ हैं जिनके अंदर सिंगल टेस्टेज पाया जाता है नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द पाथवे ऑफ स्पर्म इन कोंडर इथाइज फिशीज लाइक द के शार्क्स एंड इट्स रेलेटिव यानी कोंडर इथाइज में शार्क्स और उसके रेलेटिव आ जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशिज भी इनको हम कहते हैं इन केस ऑफ कोंडर इथाइज स्पर्मेटोजोआ फ्राम अ टेस्टिज मेक देयर वे टू वर्ड द एक्सटीरियर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑर्गन फर्स्ट थ्रू स्मॉल क्वाइल्ड टिब्यूल्स विच आर नोन एज वेजा इफ्रेंशिया और फ्रेंशिया क्या है ये मोडिफाइड मीजोनेफ्रिक टिब्यूल्स हैं तो यानी कि ये जो किडनी है मीजोनेफ्रिक किडनी उसी की ही मोडिफाइड टिब्यूल्स जो हैं है फ्रेंशिया इनको कहते हैं देन द स्पर्म्स इन सीक्वेंस कॉर्डली मूव टू द स्पर्म डक्ट तो इसके बाद क्या होगा ये स्पर्म्स जो हैं ये स्पर्म डक्ट की तरफ मूव करते हैं और उससे पहले क्या होता है ये दे पास थ्रू लेडीग ग्लैंड्स विच इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लैंडुलर ट्यूब्यूल्स विच आर ड्राइव फ्रॉम द किडनी एंड सिक्रिएशन ऑफ लेडी ग्लैंड आर इन्वॉल्व्ड इन स्पर्मेटोफोर प्रोडक्शन तो इससे क्या होगा स्पर्मेटोफोर की प्रोडक्शन होती है द स्पर्म देन गो थ्रू अ स्पर्म डक्ट विच इज़ अ मोडिफाइड मिजोनेफ्रिक डकट एंड इंटू अ सेमिनल वेजिकल फिर उसके बाद वो सेमिनल वेजिकल में मूव करता है विच इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन दैट इज आल्सो सिक्योरिटी यानी इस तरह से जो है स्पर्म्स की मूवमेंट होती चली जाती है कि अगर आप देखें तो पहले वेजाइफ्रेंशिया है फिर वहाँ से लेडीज ग्लैंड में गया है वहां से स्पर्म डक्ट में गया है वहाँ से फिर सेमिनल वेजिकल में गया है और सेमिनल uh, वेजिकल के अलावा भी यानी कि इसके अंदर डिफरेंट पाथवेज यानी स्पर्म डकट के बाद अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कार्ल एफ लेगलर जो है स्पर्म डक्ट के बाद जो है ये जो टेम्पररी स्टोरेज ऑर्गन यानी सेमिनल वेजिकल में स्पर्म जाता है फिर उसके बाद यूरोजेनिटल साइनस में जाता है फिर उसके बाद यूरोजेनिटल पेपिला में जाता है और लास्ट पे यूरोजेनिटल पोर में स्पर्म जो है वो एंटर हो जाता है एट द लेवल ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिज द स्पर्म डक्ट विच इज़ नोन एज वोल्फियन डक्ट एंड इट इज़ अ मोडिफाइड मीजोनेफ्रिक डक्ट इज कॉन्वोल्यूटिड Uh, which is known as epididymis in mid length. It is a vast deference uh, proper and cordly it becomes a thick walled seminal vesicle. The urogenital sinus carries a pair of side pockets which are known as the sperm sacs. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कार्ल एफ लेगलर इसमें डिफरेंट पाथवेज उसने ज्यादा लेबोरेट किए हैं बताए हैं कि इसमें यानी कि ये वाले डग के अलावा भी फर्दर डक्ट होते हैं जहां से अल्टीमेटली स्पर्म जो है वो रिलीज फिर हो जाता है नाउ इन दिस स्लाइड यू मे सी अ क्वेश्चन विच इज वाई फिश विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स यानी जो मछलियों की इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है तो उनके अंदर एग्स क्यों कम पैदा होते हैं वैसे तो ये होता है ना कि मोस्टली फिशेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एग्जीबिट करती हैं तो उनमें एग्स भी मिलियंस ऑफ़ यानी कि वो शेड करती हैं लेकिन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं, उनके एग्स भी कम पैदा होते हैं तो इसका आंसर ये नीचे आप स्लाइड में देख सकते हैं बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर फर्टिलाइज्ड देन द केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बजाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे एग्स की फर्टिलाइजेशन हो जाती है क्योंकि वो ज़ाया नहीं होते एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में तो ये होता है ना कि बहुत सारे एग्स जो हैं उनको पेरीडेटर खा जाते हैं या सेडिमेंटेशन उनकी हो जाती है ऑक्सीजनेशन नहीं प्रॉपर हो पाती ऑक्सीजन डिप्राइवेशन की वजह से एग्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर यानी ग्रो कर पाते या उनमें से जो हैं बच्चे नहीं अमर्ज होते सो so, uh, जो फिशेस की इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है वो एग्स भी कम पैदा करती हैं दस फिशेस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स तो अब बहुत सारी फिशेस के अंदर जो है स्पर्म की ट्रांसफर के लिए कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जैसे इलाज्मो ब्रैंक्स हैं तो एलिज्मो ब्रैंक्स में शार्क्स वगैरह आ जाती हैं और वेल आ जाती हैं सो so, मोस्ट uh, इलाज्मो ब्रैंक्स हैव uh, है complex and distinctive anatomical and uh, physiological specializations as part of their reproductive strategy the development of unique erectile copulatory organs which are known as claspers uh, and these organs are basically the elongated modifications of the pelvic fins and they allow uh, for facilitation of sperm uh, transfer into the female genital tract and internal fertilization अब यहां पे अगर देखें हम तो जैसे अब वेल्स वगैरह या शार्क्स हैं तो इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करती हैं फीमेल के अंदर और ये पेल्विक फिन्स की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं इनको हम क्लास्पर्स कहते हैं एंड मैनीजमो ब्रैंक्स लाइक वेल एंड शार्क्स हैव मेल इंसर्ट्स इनटू क्लोएका ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग पॉपुलेशन एंड स्पर्म ट्रेवल अलोंग द ग्रूव्स ऑफ द कलेस्पर्स तो स्पर्म उसके अंदर से ट्रेवल करते चले जाएंगे एंड फर्टिलइज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो क्लास्पर्स के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं और इनके अंदर टू क्लास्पर्स पाए जाते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड में क्लास्पर को भी देखते हैं कि किस तरह के वो होते हैं सो so, इस स्लाइड के अंदर आप क्लास्पर्स को देख सकते हैं फिश के कि वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप ये क्लासपर देख सकते हैं जो तो कोलेसपर्स आर बेसिकली द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन तो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन क्या होता है एन इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इज अ जनरल टर्म फॉर एन एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ अ मेल ऑर्गेनिज्म दैट इज स्पेलाइज टू डिलीवर स्पर्म ड्यूरिंग पोपुलेशन एंड इंट्रोमिटेंट ऑर्गनज आर फाउंड मोस्ट ऑफन इन टेरिसियल स्पीशीज एज मोस्ट नॉन मेमेलियन एक्टिक स्पीशीज फर्टिलाइज देयर एग्स एक्सटर्नली ऑल्दो देयर आर एक्सैप्शनस तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में ही हो तो ये कलेस्पर्स भी बेसिकली जो हैं वो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन ही हैं जो कि फ़िश की आपको एग्जांपल आपको दी थी कि जो एलैमो ब्रैंक्स हैं उनके अंदर कलेस्पर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं तो इस स्लाइड में आप शार्क से कलेस्पर्स को देख सकते हैं जो कि टू इन नंबर होते हैं यानी दो इसके अंदर क्लासपर्स पाए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं ये पैलविक फिन है जिसकी मोडिफिकेशन है जो कि यहाँ पे इलोंगेटेड हुआ हुआ और पीनस लाइक -like ये स्ट्रक्चर बनी हुई जो कि इंसर्ट की जाएगी इनटू फीमेल फॉर कॉपुलेशन पर्पस। तो ये दोनों इंसर्ट किए जाते हैं तो ये क्लासपर्स होते हैं अब यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं तो ये पैलविक फिन की ही मोडिफाइड फॉर्म है सो नाओ इन दिस स्लाइड यू कैन सी द फ्लोश डाइग्राम ऑफ पाथवे ऑफ स्पर्म इन कोंडर इथाइज तो कोंडर इथाइज फिशीज जो हैं कार्टिलेजिनस फिशीज़ उनमें अगर स्पर्म का हम पाथवे देखें तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म्स बने हैं उसके बाद वो वेजा इफ्रेंशिया में चले जाते हैं तो वेजा इफरेंशिया क्या है इट कंसिस्ट ऑफ 12 टू 20 डकट्यूल्स दैट लीड फ्रॉम रेटी टेस्टिस टू द वास डेफरेंस एंड एक्सेप्ट नियर देयर कोमेंसमेंट आर ग्रेटली कॉन्वल्यूटेड एंड फॉर्म द कॉम्पैक्ट हैड ऑफ द एपिडेडिमस तो एपीडेडिमस जो है उसका कॉम्पैक्ट हेड बनाती हैं और वैजाइफरेंशिया में कितनी डकट्यूल्स uh, पाई जाती हैं तकरीबन तो बारह से बीस तक इसके अंदर डकटल्स पाई जाती हैं तो यानी टेस्टी से आगे वैजा ईफ्रेंशिया में स्पर्म मूव करते हैं फिर उससे आगे लेडिक्स ग्लैंड की तरफ स्पर्म चले जाते हैं तो लेडिक्स ग्लैंड क्या है इट इज़ अ मोडिफाइड रीजन ऑफ द किडनी विच प्रोड्यूस फ्लूड्स यानी ये फ्लूड्स पैदा करता है विच आर नोन एज सेमिनल फ्लूड्स फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो लेडीज ग्लैंड से जो स्पर्म मूव करेगा इन टू स्पर्म डक्ट तो स्पर्म डक्ट का जैसे आपको पहले बताया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज वोलफियन डक्ट एंड इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट यानी ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है तो यहाँ पर स्पर्म चले जाएगा एंड इट इज कॉन वोल्यूटेड यानी कि ये बल्क हाई हुई होती है और ये एपीडीडीमस बना देती है यानी कॉन्वोल्यूटेड पार्ट बना देती है आगे जाके इन द मिड लेंथ एंड इट इज़ अ वास डेफरेंस प्रॉपर तो उससे फिर क्या होता है वास डेफरेंस प्रॉपर बनता है और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होती चली जाती कॉर्डली तो फिर उससे क्या बनता है लास्ट पे जाके सेमिनल वेजिकल बन जाता है यानी स्पर्म डग से आगे जो है जो थिकर पार्ट होता है कॉर्डली यानी कि टेल वाली साइड की तरफ तो वो काफ़ी थिक जो पार्ट होगा दैट इज़ नोन एज सेमिनल वेजिकल तो फिर वो सेमिनल वेजिकल में यानी स्पर्म्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे और उसके बाद आगे क्या होता है यूरोजेनिटल साइनस होता है विच कैरीज अ पेयर ऑफ साइड पॉकेट्स विच आर नोन एज स्पर्म स्पर्मस फिर उससे आगे स्पर्म सैक्स बने होते हैं जहां पे स्पर्म्स जो है चले जाते हैं तो यानी टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और अल्टीमेटली सेमिनल वेजिकल्स के थ्रू होते हुए स्पर्म एक्स में चले जाते हैं यानी साइड पॉकेट्स में चले जाते हैं नाउ अब इस स्लाइड के अंदर हम एक को डिस्कस करेंगे तो एक्टिनोप टेरीजाई क्या हैं दीज आर नोन एज रेफ एंड फिशिज तो रेफ एंड फिश जो हैं इनको क्यों कहा जाता है क्योंकि इनके फिंस जो होते हैं दे आर वेब्स ऑफ स्किन एंड दे आर सपोर्टेड बाई बोनी और हॉर्नी स्पाइंस तो इनके अगर फिन्स को अगर आप यहाँ पर ये यह देखें तो इसके अंदर ये स्पाइंस आप देख सकते हैं जो बोनी भी हो सकते हैं या हॉर्नी हो, हो सकते हैं तो ये स्पाइनस इनके अंदर वाजौर पर नजर आ रहे हैं तो इसी वजह से इनको यानी कि हम ये वाला नाम देते हैं एक्टिनो टेरीजाई का जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम दूसरा ग्रुप देखें तो वो सार्कोपटेलीजाई फ़िशीज़ होती हैं जिनको हम लोब्ड फिन फिशीज़ कहते हैं क्योंकि उनके फिन जो होते हैं वो फ्लैशी लोब्ड फिन होते हैं यानी वो फ्लैशी होते हैं जबकि इसकी इस तरह के नहीं होते हैं तो एक्टिनोपटेलीजाई फ़िशीज़ के अंदर जो बाकी सिचुएशन है वो सिमिलर है यानी बाकी सारी चीज़ें वैसे ही पाई जाती हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इनके अंदर क्या होता है ट्रू सेमिनल वेजिकल्स या स्पर्म सैक्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं देर इज़ नो ट्रू सेमिनल वेजिकल्स और स्पर्म सैक्स तो इनके अंदर और जो बाकी कौंडर इथाइज है उनके दरम्यान में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेमिनल वेजिकल या स्पर्म सैक्स इनके अंदर मिसिंग है एंड मेरीन कैट फिशिज गोबीज एंड बलैनीज हैव सेकेंडरली डिराइव स्ट्रक्चर दैट हैल्सो बीन कॉल्ड सेमिनल वेजिकल्स तो अगर हम मेरीन कैट फिशिज या गोबीज को या बलानीज को देखें तो उनके अंदर भी सेमिनल वेजिकल्स ही कहलाती हैं कुछ स्ट्रक्चर्स लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हैं दीज आर बेसिकली द ग्लैंडुलर डिवेलपमेंट फ्रॉम द स्पर्म ड्रग्स एंड दे आर नॉट कम्पेरेबल टू स्ट्रक्चर्स विद द सेम नेम्स इन टेटरापोर्स तो ये टेटरापोर्ट जैसी तो नहीं है क्योंकि ये जो है वो ग्लैंडुलर डिवेलपमेंट्स हैं ये बनती कहाँ से हैं फ्रॉम द स्पर्म ड्रग्स एंड दीज वेजिकल्स प्रोवाइड सिक्रीशंस दैट आर इम्पोर्टेंट इन स्पर्म ट्रांसफ़र और अदर ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ तो सेमिनल वेजिकल्स जो कैट फिशिज़ की हैं या गोबीज की हैं या बलैनीज की हैं तो इनका फंक्शन क्या है कि ये ऐसी सिक्रीशंस पैदा करती हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं या ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इनका रोल हो सकता है तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है कि कार्टिलेजिनस फिशिज़ में और जो एक्टिनोपटेरीजाई फ़िश हैं यानी बोनी फ़िश की ही एक क्लास या सब क्लास है तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक्टिनोपटेरीजाई के अंदर ट्रू सेमिनल वेजिकल्स या स्पर्म सेक्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी द इमेजेस ऑफ सालमन एंड ट्राउट तो ये दोनों फिशिज़ ऐसी हैं जिनके अंदर स्पर्म ड्रग्स या वेजा डिफ्रेंशिया जो है वो नहीं पाया जाता सो द स्पर्म ड्रग्स आर लैकिंग इन द सालमन एंड ट्राउट्स तो अब इनके अंदर फिर स्पर्मेटोजोआ जो है वो क्या उनका पाथवे होता है या वो किस तरह से मूव करते हैं उसमें ये होता है कि द स्पर्मेटोजोआ रपच्चर इन टू द बॉडी कैविटी एंड दे लीव इट पोस्टीरियरली वाया अस्पर्मेटिक ओपनिंग बिहाइंड द एनस तो यानी इनके अंदर क्या होता है कि स्पर्मेटोजा रप्चर कर जाते हैं बॉडी के एफ के अंदर और फिर अल्टीमेटली वो स्पर्मेटिक ओपनिंग के जरिए से जो है वो लीव कर जाते हैं और वो स्पर्मेटिक ओपनिंग कहाँ पे पाई जाती है इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द एनस यानी एनस के जो है वो पीछे एक स्पर्मेटिक ओपनिंग होती है जहाँ से वो क्या कर जाते हैं स्पर्म लीव कर जाते हैं पोस्टीरियर साइड से तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो स्पर्म डग्स नहीं पाई जाती हैं सो तो यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर हम उन फिशेस को देखेंगे जिनके अंदर सेमिनल वेजिकल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया तो इसमें आ जाती हैं मेरीन कैट फिश गोभीज़ और बलानीस तो मेरीन कैट फिश जो हैं दे आर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एराइडी और ये मेरीन वाटर्स के अंदर पाई जाती हैं और ये फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में भी हो सकती हैं स्पीशीज़ इसकी और ये पूरी दुनिया के अंदर ट्रॉपिकल या वार्म वाटर्स या टेम्परेट जोन्स के अंदर पाई जाने वाली फ़िश है कै मरीन कैट फिश और इस फैमिली के अंदर तकरीबन 143 स्पीशीज़ पाई जाती हैं फैमिली एर के अंदर जबकि दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो ये गोबीज़ फ़िश आप देख सकते हैं तो ये इनकी जो फैमिली है उसको हम कहते हैं गोबाई तो ये गोबाईडी फैमिली से बिलोंग करती हैं बोनी फिश की ये फैमिली है और इनका ऑर्डर क्या है गोबाई फॉर्म्स तो ये लार्जेस्ट फिश की फैमिली है जिसके अंदर तकरीबन 2000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं और इसमें तकरीबन 200 से भी ज़्यादा जैनर हैं यानी इस फैमिली के अंदर और ये तकरीबन स्मॉल होती हैं और इनका साइज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है लेंथ में यानी काफ़ी छोटे साइज़ की मछलियाँ होती हैं जिनको गोभीज़ का नाम दिया जाता है जबकि थर्ड वन यहाँ पर आप बलैनीज को देख सकते हैं ये बलैनी फिश है नीचे तो ये बलैनीज जो हैं बेसिकली एक कॉमन नेम है फॉर अ टाइप ऑफ फिश क्योंकि ये टर्म एम्बिगुस है और इसको हम बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए परको मॉर्फ जो मेरीन या ब्लैकिश वाटर या फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज़ होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी या बिहेवियर सेम होता है तो उसके लिए यह टर्म यूज़ की जाती है बलानीज नाउ इन केस ऑफ द शार्क्स एंड देयर रेलिटिव लंग फिश स्टर्जनस एंड गार्ज वेरिंग यूज इज मेड ऑफ किडनी टिब्यूल्स एंड द मीजोनेफ्रिक डकट विच इज नोन एज द वोल्फियन डक्ट यानी इसमें क्या होता है कि किडनी का यूज या किडनी टिब्यूल्स या मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो यूज है वो वेरी करता है इन दीज ग्रुप्स यानी लंग फिशिज के अंदर भी स्टर्जन के अंदर भी और गार्ड के अंदर भी लेकिन इन केस ऑफ बाउफिन देअर इज़ एन इंटरमीडिएट कंडीशन इन विच द टेस्टिकुलर ट्रिब्यूल विच आर नोन एज वेजा इफ्रेंशिया स्किप द किडनी एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द वॉल्फियडक्ट यानी बॉफ इनकेस में क्या होता है कि इंटरमीडिएट कंडीशन ऐसी पाई जाती है जिसमें टेस्टिकुलर टिब्यूल्स यानी वेजा इफ्रेंशिया जो होती हैं उस किडनी से को स्किप कर देती हैं यानी बाईपास कर देती हैं और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लेती हैं विद द वॉलफियडक्ट The most advanced arrangement is that of the beaker and uh, highest bony fishes, which are known as teleosts, in which, uh, as in bowfin, there is no passage through the kidney, but in which the sperm duct is new and originates from the testes rather than by usurpation of the mesonephric duct. Uh, the functional sperm duct of the higher bony fishes is thus. नोट होमोलोगस विद दैट ऑफ सर्टन लोअर बोनी फिशिज एंड द शार्क्स एंड देयर रियलेटिवस तो अब इस केस में अगर हम देखें तो यानी पोलिप्टीरस में या टीलियोस टी में तो कनेक्शन ही नहीं है बिटवीन द गोनेर्स एंड द किडनी एट मेच्योरिटी द स्पर्म ड न्यू एंड ओरिजिनेर फ्राम द टेस्टिस यानी इसमें एक नई डक्ट होगी जो टेस्टिस से ही डायरेक्ट जाएगी और किडनी के साथ कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा इन केस ऑफ मॉडर्न फिशेस यानी कि जो मॉडर्न फिशीज अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जिन फिशेस की एग्जांपल आपको दी थी कि जो किडनी ट्यूब्यूल्स का या मीजोनेफ्रिक डक्ट्स का यूज जो है वो वेरी इनके अंदर करता है लेकिन ये यूज जरूर करती हैं जिनमें लंग फिशेस हैं स्टर्जन हैं और गार्स आ जाती हैं तो ये तीनों फिशेस के आप इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं इनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आपने याद रखना है कि जो मॉडर्न फिशीज़ हैं उनके अंदर किडनी का या गोनेर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता एट मेचोरिटी लेकिन जो बाकी फिशज़ हैं तो उनके अंदर ज़रूर कनेक्शन रिटेन करता है जैसे कि लंग फिश हैं या स्टर्जेंट हैं या गार्ड्स हैं और ये फिर कनेक्शन जो अगर रिटेन करता है तो वो वेरी करता है कि कितना वो यूज़ करती हैं किडनी ट्यूब्यूल्स को या मीजोनेफ्रिक डक्ट्स को वो वेरी करता है फ्रॉम फिश टू फिश स्पीशीज़ सो so, इस स्लाइड के अंदर आप फिन को सबसे ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं फिश को क्योंकि बाओफिन जो फिश है इसका मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इंटरमीडिएट कंडीशन पाई जाती है जिसमें टेस्टिकुलर टिब्यूल यानी वेजाइफ्रेंशिया जो है वो किडनी को स्किप कर जाती है और वो कम्युनिकेट डायरेक्ट करती है विद द डक्ट तो उसका डक्ट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो और टिलियोस्टाई जो फिशीज़ हैं नीचे आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो इन दोनों का मैंने आपको बताया था कि पोलिप्टीरस के अंदर क्या होता है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड अरेंजमेंट होती है तो इसी तरह से हाईएस्ट जो बोनी फिशीज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं टिलियोस्टाई कह देते हैं तो इन दोनों के अंदर जो है वो क्या होता है कोई भी डायरेक्ट पैसेज नहीं होता थ्रू द किडनी यानी कि किडनी के, के अंदर से डायरेक्ट जो है वो पैसेज नहीं है जिसमें से स्पर्म्स ने पास करना यानी स्पर्म डक्ट नहीं उसमें से पास करती और इनके अंदर क्या होता है कि स्पर्म डक्ट जो होती है वो न्यू होती है और वो टेस्टी से ही डायरेक्ट ओरिजिनेट कर रही होती है एमर्ज कर रही होती है वो इस तरह नहीं होता कि मीजो डक्ट के अंदर से एमर्ज कर रही हो या वहाँ पर जा रही हो तो इनमें जो फंक्शनल स्पर्म डक्ट होती है हायर बोनी फिश के अंदर वो होमोलोगस नहीं है लोअर बोनीफिश की तरह की और इसी तरह से शार्क्स या उसके रिलेटिव्स के साथ वो मैच नहीं करती यानी जो बोनी बोनीफिशिज़ हैं या जो शार्क्स वगैरह हैं या उसके रिलेटिव्स हैं उसके साथ इनकी स्पर्म डक्ट मैच नहीं करती क्योंकि इनकी स्पर्म डक्ट को अगर आप देखें तो आपको पहले भी बता दिया है कि वो किडनी के अंदर से पास नहीं करती है दस द स्पर्म डक्ट ऑफ मोर प्रीमिटिव फिशिज सच एज द कोंडर इथाइज एंड कोंड्रोस्टाई इज नॉट होमोलोगस विद दैट इन द टीलियटाई तो अब होमोलोगस से मुराद क्या है कि यानी इनके अंदर जो स्पर्म डक्ट्स होंगी उनकी जो होमोलॉजी है वो नहीं होगी यानी कि उनकी पोजीशन, स्ट्रक्चर या एवोल्यूशनरी ओरिजन तो सेम हो सकता है लेकिन उनका फंक्शन सेम होना जरूरी नहीं है यानी जो स्पर्म डक्ट हैं प्रीमिटिव फिशेस की यानी कॉन्ड्रिथाइज की वो होमोलोगस नहीं है उनका यानी फंक्शन सेम नहीं है विद दैट ऑफ मॉडर्न फिशेस और टीलियोस्टाई तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टीलियोस्ट फिशेस के टेस्ट की अगर देखी जाए तो उसमें दो बेसिक टाइप्स जो हैं हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उसमें जो पर मेटोगोनिया की डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बुनियाद पे हम इनको जो है वो टू ग्रुप्स में या दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं टीलियोस टाइप के टेस्टिस को तो सो तो ट्यूबुलर तो स्ट्रक्चर जो है टीलियोस्ट के फिशिज के टेस्टिस की उसमें दो बेसिक टाइप्स हैं तो उसमें से अगर हम मोस्ट टिलियोस फिशेस को देखें तो उनका जो स्पर्मेटोगोनिया है इट अकर्स अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द टिब्यूल तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है इट इज़ अ सेल व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एट एन अर्ली स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड इट इज फॉर्म्ड इन द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड इट गिव राइज बाय माइटोसिस टू स्पर्मेटोसाइट्स तो यर्मेटोसाइट्स को जो है वो अल्टीमेटली फिर बनाता है स्पर्मेटोगोनिया यानी ये अर्ली स्टेज के अंदर जो सेल बनता है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है जिससे फिर स्पर्मेटोसाइट्स या मेच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं तो स्पर्मेटोगोनिया इनके अंदर क्या होता है ये पूरी की पूरी लेंथ में जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर ये पाया जाता है बट इन केस ऑफ एथीरिनोम फिश तो जो फिशेस हैं इनके अंदर क्या होता है आर टू द डिस्टल एंड ऑफ द टिब्यूल्स तो इनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया डिस्टल एंड की तरफ पाए जाते हैं जबकि जो बाकी टील फिशेस हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो स्पर्मेटोगोनिया पूरी की पूरी लेंथ में टिब्यूल्स की पाए जाते हैं तो एथरिनोम फिशेस अब क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए तो एथरिनोम फिशेस का एक ग्रुप है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1964 यानी आप कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ टिलियोस्ट यानी जो मॉडर्न बोनी फिशेज़ हैं, ये भी इसी का एक ग्रुप है जिसके अंदर फिर डिफरेंट आ जाते हैं यानी के फिशेज़ जैसे सिल्वर साइड्स हैं, फेलो हैं, या किली फिशेज़ हैं एंड सोन तो इस तरह से 1964 में टिलियोस्ट फिशिज का जो ग्रुप बना था उसको एथिरिनोमॉर्फ कहा जाता है फिश तो टिब्यूल के अंदर डिस्टल एंड ऑफ द के अंदर क्या होगा स्पर्मेटोगोनिया होंगे जबकि जो ज्यादातर टिलियोस फिश हैं उनके अंदर पूरी की पूरी टिब्यूल की लेंथ में क्या होंगे स्पर्मेटोगोनिया होंगे तो इस तरह से हम जो टिबुलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे टिलियोस फिशीज के टेस्ट को हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इस तरह से वो दो फिर ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं नीचे आप यहाँ पे स्लाइड के अंदर ये टेस्टिस देख सकते हैं यहाँ पे आपको इमेच्योर मेल चिनुक सालमन फिश दिखाई गई है जिसके जो है आप यहाँ पे ये यह दो टेस्टिस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि लेंथ वाइज है यहाँ पे आप अगर देखें तो ये लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया गया था कि टेस्टेड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होते हैं और मोस्टली दे आर पेयर्ड तो यहाँ पे ये पेयर टेस्टिस आप इसके देख सकते हैं चिनुक सालमन के